अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ वेज बिरयानी बनाने की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। वेज बिरयानी बनाना बहुत ही आसान है और एकदम सिंपल और इजी रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो आप बिना स्किप करे वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसे हम 3 लेयर्स में बनाएंगे, ऐसे बहुत ही टेस्टी बिरयानी बनती है। तो आप रेसिपी को एंड तक देखिए और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि ऐसे ही सारी हमारी अपडेट आपको पहले ही मिल जाए। तो चलिए अब हम रेसिपी देख लेते हैं। तो वेज बिरयानी बनाने के लिए हमें बासमती राइस चाहिए। यहाँ पर मैंने 700 ग्राम बासमती राइस ले लिया है, लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस लिया है। इसको हमें अच्छी तरीके से वॉश करना है। 2 से 3 बार हम पहले इसको वॉश कर लेंगे और फिर हम इसको सोक करके रखेंगे। हमें ऐसे ही राइस को भिगा कर रख देना है तकरीबन 1 घंटे के लिए। जब भी आप बिरयानी बनाएं तो राइस को पहले सोक ज़रूर कर लें। यहाँ पर वॉश कर लिया है मैंने, अब इसको हम 1 घंटा ऐसे ही सोख होने देंगे जब तक हम सब्जियों का मसाला प्रिपेयर कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 8 बड़े चम्मच तेल गरम होने रख दिया है और 2 मीडियम साइज़ के आलू को इस तरीके से कट करके डाल दिया है। आलू को हम फ्राई कर लेंगे। सब्जियों को जब आप इस तरीके से फ्राई करके बिरयानी बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करें। यहाँ पर अभी आलू हमारे फ्राई हो गए हैं। अब हम इसमें फ्लावर की सब्ज़ी ऐड करेंगे। 250 ग्राम फ्लावर को मैंने वॉश करके कट करके रख लिया था, इसको ऐड कर लेंगे। उसके बाद में 1 कप मैंने फरस भी ऐड कर ली है, फ्रेंच बीन्स, और 1/2 कप मैंने यहाँ पर हरे वटाने ऐड कर लिए हैं, ग्रीन पीस, और 2 गाजर को इस तरीके से कट करके ऐड कर लिया है। अब सब्जियों को हमें हाई फ्लेम पर सॉटे करना है, बस 2 से 5 मिनट ही हमें इसको फ्राई करना है। ओवर कुकिंग नहीं करनी है सब्जियों को। सब्जियां थोड़ी सॉटे हो जाए तो हम इसमें 1 बड़ी शिमला मिर्ची को डाइस करके ऐड कर लेंगे और बस 2 मिनट इसको फ्राई करेंगे। जैसे ही थोड़ी सब्जी फ्राई हो जाए तो हम इसको निकाल कर रख लेंगे। अब सब्जी अच्छे से फ्राई हो गई है तो हम इसे निकाल ले रहे हैं। सारी सब्जी को निकालने के बाद सेम ऑयल में हम प्याज फ्राई करेंगे। 6 बड़ी प्याज को स्लाइस करके मैंने ऐड कर लिया है और हाई फ्लेम पर हम इसे फ्राई करेंगे। गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इसे भूनना है अच्छे से। प्याज अच्छे से लाल हो गई है तो यहाँ पर अभी 3 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है मैंने और 3 से 4 हरी मिर्ची को इस तरीके से स्लिट करके डाल दी है। और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डालना है और 2 टीस्पून हम धनिया पाउडर ऐड करेंगे और 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे और 1 टीस्पून देगी मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। फिर ऐड करेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून भुना हुआ ज़ीरा पाउडर और 1 टीस्पून सॉल्ट, नमक टेस्ट के हिसाब से हम ऐड कर लेंगे और अच्छी तरीके से मसालों के साथ में हम भुनेंगे प्याज को। 2 मिनट इसको हम ऐसे ही भून लेंगे। उसके बाद में 4 बड़े टमाटर को बारीक चॉप करके हमने ऐड कर लिया है और टमाटर को गलने तक हमें अच्छे से भूनना है इसे। फिर हम लिड से कवर करके 5 मिनट के लिए मसाले को ऐसे ही भून लेंगे मीडियम फ्लेम पर। अब हमारा मसाला बहुत ही अच्छे से भून गया है तो हम इसमें दही ऐड कर रहे हैं। 1 कप मैंने दही ऐड कर ली है, 4 बड़े चम्मच, और अच्छी तरीके से हमें मिलाना है। ऑयल सेपरेट होने तक मसाले को हमें अच्छे से भून लेना है। फिर फ्राई की हुई सब्जियां हम इसमें शामिल कर लेंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से हमें मिक्स कर लेना है। और अब ज़्यादा कुकिंग नहीं करनी है, ओवर कुक नहीं करना है सब्जियों को, क्योंकि वो राइस के साथ फिर दम पर भी पकी जाएगी। फिर थोड़ा सा हरा धनिया मैंने इसमें ऐड कर लिया है और 1 कप हम पानी ऐड करेंगे ताकि जब हम इसे राइस में डालें तब हमारे राइस जले नहीं। और 2 मिनट ही हम इसे सिमर होने देंगे। लिड से कवर करके बस इसको हाई फ्लेम पर 2 मिनट पका लेंगे। अब हमारी सब्जियों का मसाला एकदम रेडी हो गया है तो अब हम सब्जियों के मसाले को साइड में रख लेंगे और बिरयानी बनाने के लिए राइस बॉईल कर लेंगे। बड़ा सा वेसल मैंने रख लिया है और 8 ग्लास हमने इसमें पानी ऐड कर लिया है। इसको हमें बॉईल आने देना है और फिर कुछ होल स्पाइसेस डालेंगे हम।
यहाँ पर 3 बड़े तेज पत्ते, 1 बड़ी इलायची, 1 फूल, 3 छोटी इलायची, 6 से 8 काली मिरी, 3 लौंग, 1 दालचीनी और 2 बड़े चम्मच जीरा डाला है। फिर थोड़ा फ्रेश हरा धनिया, 4 से 6 कड़ी पत्ता और 3 से 4 हरी मिर्ची को बीच में से स्लिट करके हमें ऐड कर लेना है और इसे बॉईल आने देना है। बॉईल आने के बाद ही हम इसमें राइस को शामिल करेंगे। अब अच्छी तरीके से बॉईल आ गया है पानी में, तो हमने जो राइस सोक करके रखे थे वो हम ऐड कर लेंगे। पानी सारा फेंक कर हमने राइस को इसमें ऐड कर लिया है और अच्छी तरीके से हम इसको पका लेंगे। यहाँ पर फिर सॉल्ट ऐड कर रही हूँ मैं, 2 बड़े चम्मच नमक डाल दिए टेस्ट के हिसाब से। और अब हमें राइस को अच्छी तरीके से पका लेना है, पूरा कुक नहीं करना है, 75% तक हम इसे पकाएंगे और बाकी का हमारे दम पर ही पक जाएगा। तो अब लिड से कवर करके इसको बॉईल आने देते हैं। अब हमारे राइस में अच्छे तरीके से बॉईल आ गया है, तो अब इसका पानी सारा हमें स्ट्रेन करना है। पहले हम राइस को चेक कर लेंगे, अब देख सकते हैं इतना हमारा राइस कुक्ड हो गया है। तो अब हम इसका सारा पानी स्ट्रेनर से निकाल लेंगे। यहाँ पर मैंने सारा पानी निकाल कर रख लिया है। राइस कितने खिले हुए पके हैं इतना ही हमें पकाना है। अब हम सेम वेसल में 1 लेयर राइस की बिछा लेंगे पहले, फिर 1 लेयर सब्जियों की बिछा लेंगे। सभी साइड्स में हमने अच्छी तरीके से सब्जियों को डाल दिया है। फिर हम इसमें फ्रेश हरा धनिया ऐड कर रहे हैं और 1 लेयर राइस की फिर से बिछा लेंगे। पूरा राइस नहीं डालना है अभी, 1 ही लेयर हम इसमें बिछा रहे हैं और हमारी बाकी की जो सब्जी है वो हम इसमें ऐड कर लेंगे। अच्छी तरीके से सभी साइड्स में हम फैला कर डाल देंगे। फिर से हरा धनिया इसमें ऐड करना है और बाकी का जो हमारा राइस है उसको हम इस पर बिछा लेंगे। पूरा राइस अभी हम इसमें डाल देंगे। राइस डालने के बाद में हम इस पर गरम मसाला पाउडर स्प्रिंकल कर रहे हैं, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। फिर इसके बाद में हम इसमें पुदीना और हरा धनिया ऐड कर रहे हैं। फिर मैं इसमें बिरयानी एसेंस ऐड करूँगी, इससे बहुत ही अच्छी बिरयानी बनती है। तो आप कभी इसे ज़रूर यूज़ करें जब भी आप बिरयानी बनाएं। 4 से 6 ड्रॉप हमने इसमें डाल दिए हैं और येलो फूड कलर मैं ऐड कर रही हूँ, पानी में हमने मिलाकर रखा था। और 2 बड़े चम्मच नींबू का पानी हम इसमें ऐड करेंगे, लेमन जूस। और 2 बड़े चम्मच घी ऐड करना है, असली घी। फिर हम इसको लिड से कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर एकदम दम पर पका लेंगे राइस को। अब 15 मिनट हो गए हैं तो हमारी वेज बिरयानी एकदम रेडी है सर्व करने के लिए। अब देख सकते हैं राइस कितने खिले हुए पके हैं और इसकी खुशबू भी बहुत ही अच्छी है। ये तो जब आप बनाएंगे तो ही आपको पता चलेगा। अब इसको किसी भी रायते के साथ सर्व कर सकते हैं, एकदम गर्मा गर्म सर्व करिए। आप देख सकते हैं कितनी परफेक्टली कुक्ड है, मसाला और चावल एकदम खिले हुए पके हैं। तो अब हम इसको सर्व करेंगे। सर्विंग प्लेट पर इसे निकाल लेते हैं। तो आप इस वेज बिरयानी की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए इसी तरीके से जैसे मैंने बनाई है। सब्जियों को फ्राई करके बनाने से बहुत ही टेस्टी बिरयानी बनकर तैयार हो जाती है। तो एक बार इस रेसिपी को फॉलो करिए और मुझे फीडबैक भी दीजिए कि आपको रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाने से पहले सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड विथ मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।